जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप एक नए फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट मात्र 12,000 है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप 5 ऐसे बेहतरीन फ़ोन देखने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फ़ोन, काफ़ी तगड़ा फ़ोन आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो कि आपको मात्र 12,000 के अंदर मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहे इस वीडियो में। तो लिस्ट में जो सबसे नंबर वन पे फ़ोन आता है वो है रियल मी C31 और इसका प्राइस है 9999 और इस बजट रेंज का यानी 12 के बजट रेंज का सबसे अभी लोएस्ट प्राइस वाला फ़ोन है और इसी सीरीज में आपको फ़ोन दिखाई देंगे लोएस्ट से हाईएस्ट जाने वाले हैं सभी फ़ोन। इस फ़ोन में आपको 6.52 इंचेस का HD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि इस फ़ोन को और भी प्रीमियम बनाता है, प्रीमियम डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं अच्छा है, बेहतरीन नहीं कहूँगा क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर को मूर्ख नहीं बनाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर ही हमारे लिए सब कुछ है। तो जो है आपको सच्चाई हम बताते हैं अपने वीडियो के थ्रू। इस फ़ोन में आपको 4GB रैम मिलता है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसे आप 1TB तक इजिली एक्सपेंड कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ HD कार्ड। प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो Unisoc T612 का प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। अगर आप ये फ़ोन बाई करते हैं तो उस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी आप जानकारी देख रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की जो है मोटरोला G32 10499। इस फ़ोन में आपको 4GB रैम मिलता है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिल जाता है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों इस सेगमेंट का। इसमें आपको काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर मिलता है। आइए बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की जो है Redmi 10 Power 11999। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, दो बेहतरीन कलर वेरिएंट में आता है और इस फ़ोन में आपको 8GB रैम मिलता है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज जिसे आप 1TB तक इजिली एक्सपेंड कर पाओगे। वहीं बात की जाए इस फ़ोन के कुछ और भी बेहतरीन फीचर्स की तो डुअल सिम का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 4G फ़ोन है, 6.7 इंचेस का HD LCD डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, पिक्सल रेजोल्यूशन इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन, IPS LCD डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिलता है, एस्पेक्ट रेशियो भी इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है और कैमरा क्वालिटी भी इस फ़ोन की काफ़ी बेहतरीन आपको कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कर देगी ये फ़ोन। वही बात की जाए इस प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिलता है, 6000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिल जाती है जो कि आपको फुल डे का बैकअप दे देती है और काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है दोस्तों। अगर आप ये फ़ोन बाई करते हैं तो उस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में अभी आप जानकारी देख रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की Realme Narzo 50 Prime 11499 और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों। आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ दमदार फीचर्स की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आज आप जो इस वीडियो में जितने भी फ़ोन्स देख रहे हैं सभी आपको 12,000 के अंदर मिल रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि आपको इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन फ़ोन आज इस वीडियो के थ्रू हम प्रोवाइड करवा सकें जिसे आप लेने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस करें और आपको ऐसा लगे कि हाँ जो हमने इस बजट रेंज का फ़ोन लिया है वो काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट के हमें काफ़ी ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन को हिट करके, आप प्लीज़ ऐसा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और इसी तरह का दमदार और पावरफुल वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहें। आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ दमदार फीचर्स की। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, प्रीमियम डिस्प्ले वाला फ़ोन, स्टाइलिश लुकिंग फ़ोन, पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फ़ोन। इसकी व्याख्या और भी की जाए और इसके फीचर्स के बारे में और बात की जाए, बने रहे इस वीडियो में। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन्स आज आपके लिए चुन के लाया है मैंने खुद। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो अभी फ़ोन देख रहे हैं Realme 50 i Prime 6.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। वहीं बात की जाए इस फ़ोन के कुछ और भी फीचर्स की तो 90.7 स्क्रीन रिस्यू आपको इस फ़ोन में मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो आपको प्रीमियम डिस्प्ले इस फ़ोन में मिल जाता है और कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इस फ़ोन में मिल जाता है।
जो कि आपको बेहतरीन कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आप काफ़ी बेहतरीन फोटोज़ क्लिक कर पाओगे, बेहतरीन वीडियो शूट कर पाओगे। 8.1 मिलीमीटर काफ़ी थीन फ़ोन है, काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है और दो बेहतरीन कलर वेरिएंट में ये फ़ोन अवेलेबल है दोस्तों। और हम वीडियो इसी मकसद से बनाते हैं ताकि आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सके हमारे वीडियो के थ्रू, जिसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसे आपके ही खर्च हो रहे हैं और हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम आपको हमेशा एक बेहतरीन फ़ोन प्रोवाइड करवा सकें। अगर आपको ज़रा सा वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करें। सैमसंग गैलेक्सी M30 11999 काफ़ी बेहतरीन फ़ोन। आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ दमदार फीचर्स की। और दोस्तों, आप जितने भी सेगमेंट में फ़ोन देख रहे हैं सभी आपको 12,000 के अंदर मिल रहे हैं, और हम आपको जितने भी फ़ोन इस बजट रेंज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं सभी एक से बढ़कर एक हैं। सभी में आपको काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स मिल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ और भी धमाकेदार फीचर्स की। मल्टीटास्किंग चैम्पियन ये फ़ोन है दोस्तों, और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। 6000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिलती है, जो कि आपको फुल डे का बैकअप दे देती है, 1.5 से 2 दिन का बैकअप, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। तो आप काफ़ी अच्छा फ़ोन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6.6 inches का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। काफी बेहतरीन फोन है। ₹50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इस फोन में मिल जाता है, जो कि आपको बेहतरीन कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवा देती है। और सैमसंग M30 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आता है दोस्तों, और काफी अच्छा फोन है, जिससे आप काफी बेहतरीन फोटोज क्लिक कर पाओगे विदाउट एनी वरीज, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी मिलने वाला है। और इस प्राइस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, डुअल सिम का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, ऑटो डेटा स्विचिंग का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, और दो रैम वेरियंट में ये फ़ोन आता है। तो अभी जिस रैम वेरियंट की हम बात करें उसमें आपको 4GB रैम मिल रहा है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा, और काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है दोस्तों, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है और इस फ़ोन को और भी बेहतरीन फ़ोन में शुमार करता है। और ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको एक बेहतरीन फ़ोन हम अपने वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करें। आपको अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको सभी सेगमेंट के सभी बजट रेंज के फोन्स दिख जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक छोटा सा निवेदन मैं आपको करना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में। अगर आपको कोई भी फ़ोन पसंद आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर रोजाना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं।